हे गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या एक वेजिटेरियन स्टूडेंट होटल मैनेजमेंट कर सकता है या नहीं कर सकता है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है मुझे बहुत बार पूछा जा चुका है इंस्टाग्राम पे और बहुत सारे कमेंट्स भी देखे हैं यूट्यूब पे। तो खैर, जो भी है, इस चीज़ को मैं क्लियर करूंगा इस वीडियो में। और आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आएगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, ये जो बात है कि एक वेजिटेरियन स्टूडेंट होटल मैनेजमेंट नहीं कर सकता है, ये बिल्कुल मिथ है। यानी अगर आपको कोई ये चीज़ें बोलता है तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ किचन डिपार्टमेंट में जाना है, आपको शेफ ही बनना है, तो फिर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन इसके बारे में थोड़ी देर में हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप मेरा वीडियो बहुत पहले से देख रहे हो तो मैंने हर एक डिपार्टमेंट्स के बारे में आपको बताया है कि होटल इंडस्ट्री में चार डिपार्टमेंट होते हैं जो कि मेजर डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि फ्रंट ऑफिस हो गया, हाउसकीपिंग है, F&B सर्विस है और किचन है। तो फ्रंट ऑफिस का काम क्या होता है, आप सभी को पता होगा कि रूम सेल करना होता है, यानी गेस्ट से इंटरेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे कोई आपको खाना से कोई लेना देना नहीं है, आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो तो आप फ्रंट ऑफिस में भी अपना कैरियर बिल्ड कर सकते हो। फिर वहीं पे हाउसकीपिंग है, तो हाउसकीपिंग का भी काम होता है, क्लीनिंग का, जैसे कि रूम क्लीन करना हो गया, पब्लिक एरिया क्लीन हो गया, लॉबी हो गया, लॉन्ड्री में काम करते हैं, तो यहाँ भी आपको कोई खाना से लेना देना नहीं है। तो अगर आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो उससे कोई मतलब नहीं है, हाउसकीपिंग में भी आप कैरियर बना सकते हो। फिर वहीं पे आता है F&B सर्विस, और F&B सर्विस का काम होता है गेस्ट को खाना सर्व करना रेस्टोरेंट में या IRD में या उनके रूम तक या बार में। तो F&B सर्विस में भी आप ड्यूटी कर सकते हो, काम कर सकते हो। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो नॉनवेज को देखना पसंद भी नहीं करते हैं, चिकन या मटन या कोई भी जो नॉनवेज आइटम उसको देखना भी पसंद नहीं करते, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। बट आप ऐसे हो कि नॉनवेज नहीं खाते हो, ठीक है, बट लेकिन आप उसको सर्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो आप F&B सर्विस जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। तो सिंपली मैं ये कहना चाहता हूँ कि होटल इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ किचन ही डिपार्टमेंट नहीं होता है, उसके अलावा भी तीन मेजर डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें कि आप अपना अच्छा कैरियर बिल्ड कर सकते हो। आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो उसे कोई मतलब नहीं है, आप बाकी के डिपार्टमेंट भी ज्वाइन कर सकते हो, यानी होटल मैनेजमेंट कर सकते हो। तो अब बात करते हैं स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बोला था कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ शेफ बनना है, किचन ही में जाना है, तो आपको प्रॉब्लम आ सकता है। वो प्रॉब्लम कैसे आ सकता है, जब आप शेफ हो गए या Commis 3 हो या आपका Commis 2 पोजीशन हो, जो भी पोजीशन हो, तो आपको खाना वहाँ पे बनाना पड़ता है। तो खाना अगर आप जब बनाओगे तो उसको टेस्ट भी करना होता है, सॉल्ट कितना है कितना नहीं है, ग्रेवी का बेस चेक करना होता है, चाहे आप इंडियन में काम करो चाहे कॉन्टी में काम करो, हर जगह नॉनवेज फूड होता है। तो अगर आप वेजिटेरियन हो, नॉनवेज फूड को टच भी नहीं करते हो, खाते भी नहीं हो, टेस्ट भी नहीं करते हो, तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वो जो खाना है वो गेस्ट तक सीधा जाएगा, तो गेस्ट बाद में कंप्लेन करेगा, तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो आप किचन डिपार्टमेंट में जाओगे, शेफ बनना ही है, तो आपको प्रॉब्लम होगा, आपको नॉनवेज जो फूड है वो टेस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि अगर आप वेजिटेरियन हो तो भी होटल मैनेजमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, टोटली मिथ है। अगर कोई आपको बोलता है कि आप होटल मैनेजमेंट नहीं कर सकते हो, आपके लिए होटल मैनेजमेंट नहीं है, होटल इंडस्ट्री नहीं है, तो ये गलत है। उसके अलावा भी F&B सर्विस, फ्रंट ऑफिस और हाउसकीपिंग है जहाँ आप अपना अच्छा कैरियर बिल्ड कर सकते हो। तो आई होप सो आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना। तो आई होप सो आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।